सर, कैसे याद किए बताइए सर। जी सर, एक वीडियो देख रहे थे सर, गुड़िया सिंह धमाल के बारे में, अच्छा तो इसीलिए अच्छा सर आपको मैं कॉल किया। अभी इतना रात के टाइम में सोचे फ्री होंगे सर आप। फ्री तो हैं सर, लेकिन अच्छा वही गुड़िया धमाल का वीडियो जी जी सर, देखे। वीडियो गुड़िया सिंह धमाल के बारे में जो है आज जो है देख रहे हैं, सोशल मीडिया की मैं बात करूँ तो सर इस तरह से गंदा फैला कर रख दिया है सोशल मीडिया पर, जैसे कि यूट्यूब हो या फेसबुक हो, कोई भी हो, वहाँ पे देखिए सर कि गुड़िया सिंह धमाल को जो हमारे जो व्यूवर्स है इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं सर, कहीं ना कहीं सर। सर देखिए, जिस वीडियो आज जो चला है वीडियो, वही ना वीडियो सर बोल रहे हैं। जी जी बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ हाँ देखिए सर, हम भी अचानक से देखे थे। देख के सर क्या बोले, मतलब अंदर ही अंदर बहुत ही गरियाने का मन कर रहा है, गुस्सा भी बहुत ही ज्यादा आ रहा है, क्या बोले। एक जो इस तरह का कमेंट करते हैं हम लोग के चैनल पे, अब आप ही से हम सवाल कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए। ये गुड़िया जो धमाल जो है, जो इतना गलत आदमी, इतना गलत आदमी लोगों को आज जो वीडियो डाला, देखिए उसका 4-5 घंटा में 50,000-60,000 व्यूज चला गया। तो ये आप लोग प्रमोट कर रहे हैं तब जा रहा है ना व्यूज, वीडियो देख रहे हैं तब जा रहा है। जी जी सर, हम लोग जब सच्चाई दिखाएंगे, हम लोग जब हर जगह ग्राउंड जीरो पर जाके मेहनत करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, हम लोग का वीडियो कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन ये जो नौटंगी बाज ये लोग है, ये जो नाटक करने वाला ये लोग है, एक तो देखिए सर किस तरह से रिश्ता कोई लोग शर्मसार कर रहा है। वीडियो सब देखिए सर, रिश्ता की शर्मसार करने की बात कर रहे हैं सर आप, तो सर आप खोल के बात कीजिए सर, किस तरह से शर्मसार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स है उसको पता चलना चाहिए कि किस तरह से शर्मसार कर रही है गुड़िया सिंह धमाल। बिल्कुल सर, देखिए हम पूरा डिटेल में अपने व्यूवर्स को बता देते हैं, क्योंकि सही सही बात है सर। हम लोग क्योंकि इसका खबर शुरू से चला रहे हैं, तो हम लोग को एक एक चीज मालूम है इनके बारे में। हमारे व्यूवर्स को हो सकता है मालूम नहीं होगा, वो लोग सीधा खाली गुड़िया धमाल को जानता होगा, ये हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को जो भी इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं, आप लोगों को हम थोड़ा बता देते हैं, गुड़िया धमाल जो ये धमाल जो है, सबसे पहले तो ये एक नंबर का फ्रॉड ये महिला है, और उसके बाद इसका जो पति था पहले वाला दरभंगा का, वो एक नंबर का दलाल है, वो बेच। पहले हम लोग क्या बोल रहे थे कि चलिए शंकर जी, अरे देखिए इसका पति पत्नी बिछड़ा हुआ है बेचारा, ये भी मीडिया वाला से बार बार गुहार लगा रहा है, ये हर जगह बोल रहा है कि किसी तरह किसी भी हाल में गुड़िया देवी अभी भी मेरे पास आ जाए, हम एक्सेप्ट कर लें। अरे भरवे क्या बोले उसको, अब इतना गरियाने का मन करता है ना सर उसको, दलाल को। वो दलाल आया अररिया में, सबको लग गया समझे, आया बेच के चल गया। और इस तरह से सर नहीं होना चाहिए, और हमारे जो भी नहीं होना चाहिए। और अब देखिए सर, अब हम बता रहे हैं, आप जो बोले थोड़ा ये रिश्ता को शर्मसार कैसे कर रहा है इसके बारे में बताइए, तो यही गुड़िया धमाल, अब जितने भी व्यूवर सुन रहे हैं गौर से सुनिएगा, यही गुड़िया धमाल जब वायरल हुई थी शुरू में, जब अररिया आई थी, तो क्या बोल रहे थे, नीतीश मंडल मेरा पति है, और तमाम फोटो वगैरह सारा साक्ष्य भी वो दिखा रहे थे, नीतीश मंडल मेरा पति है। अब आप ही लोग बताइए, नीतीश मंडल उसका जब पति है, तो वही गुड़िया धमाल अपने ही बेटी की शादी, सुमन की शादी, नीतीश मंडल के छोटे भाई से क्यों कर दी सर? एक मिनट मैं आपको रोकना चाहेंगे सर यहाँ पे, पहले मेरा सुन लीजिए, पहले पूरा सुन लीजिए, तभी दर्शक समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। और फिर वही धमाल जो है, वही धमाल उसकी शादी भी कर दी, चलिए वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो छोटकी बेटी के साथ भी
उसी के घर में रह रही है, नौटंगी नाच कर रही है, सब एक ही जगह खा पी रही है, हगमुत रही है, वीडियो में देखे होंगे आप, शायरी गा रही है, उधर उसका वो मंडल का माय जो है वो अलग शायरी गा रही है, उसका चाचा जो है अलग शायर बना हुआ है एकदम, और रिश्ता को तो इस तरह से ये लोग शर्मसार किया है ना सर, क्या बोले, अभी तक हमको लगता है कि इस धरती पर इस तरह से नहीं हुआ होगा। सर मैं आपको बता देना चाहूंगा सर कि जिस तरह से गुड़िया सिंह धमाल जो इसे एक मंथ पहले, डेढ़ मंथ पहले जो इंसाफ के लिए जो है गुहार लगा रहे थे मीडिया बंदों से कि मुझे इंसाफ इंसाफ चाहिए इंसाफ चाहिए, अब वही गुड़िया सिंह धमाल जो वही गला जो फार फार की जो बोल रही थी, आवाज जो उठा रही थी, सुन लीजिए देखिए वो सब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब इसका नाटक था, ये लोग एक नंबर का नौटंकीबाज है, सब नाटक था, और हम तो पहले ही जब पहली बार उसका इंटरव्यू लिए थे उसके बाद आपको बोले भी थे हम कि देखिएगा ये एक न एक दिन ये आरती छोटू के तरह, आरती के तरह ये भी फेमस हो जाएगी। सर सबसे पहले तो मैं गलती हम सोशल मीडिया के जो भी पत्रकार बंधु हैं जो भी हैं उसका ही गलती है कि सर इस तरह के जो खबर चलाते हैं सर, कहीं ना कहीं जो है खबर इस तरह का नहीं चलना चाहिए सर, मेरे समझ से सर, आपकी समझ से जो भी हो सर। देखिए नहीं नहीं आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो मान लीजिए चलिए ठीक है, दो चार गो मीडिया वाला उसका खबर चला दिया, वो कहाँ से आई थी नहीं आई थी वो लोग को मालूम भी नहीं उतना था, और क्या है नहीं है उतना, शुरू शुरू में दो चार गो मीडिया वाला चला गया उसको हम दोषी नहीं मानेंगे, चलिए वो चला दिया, पहली बार कोई भी चला देगा, लेकिन जब सबको मालूम इस चीज का एहसास हो गया कि नहीं ये फ्रॉड आदमी है, फ्रॉड महिला है, नौटंकीबाज है, ये आरती के तरह ये नाटक कर रही है, ये फेमस होने के लिए कर रही है, फेमस होके वही करेगी, और उसके बावजूद भी जो मीडिया वाला लगातार इसका इंटरव्यू लेते रहा, इसको फेमस करते रहा, ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है, और ऐसे मीडिया वाला को हम अभी ये गलत समझ रहे हैं जो सर बिल्कुल लीजिए। सर अभी तक जो अपडेट निकल के आ रही है गुड़िया सिंह धमाल पे सर, कहीं ना कहीं सर हम लोग को भी शर्म लगता है कि सर इस तरह का जो खबर जो चलाते हैं, हम तो सर सच्चाई के साथ हम लोग रिप्रूव करवाते हैं कि हमारे जो भी दर्शक हैं जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उसको जो है सच्चाई जो है हकीकत जमीनी हकीकत क्या है उनका जो है हम लोग को जो है दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग को भी शर्म आता है सर किस तरह का जो है खबर हम लोग चलाते हैं चैनल्स के माध्यम से, लेकिन देखिए एक चीज देखिए शर्म आता है सही।